के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। जी तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ट्यूबवेल सामने है। आज हम ट्यूबवेल चला रहे हैं, गंदम को पानी देना है तो उसके लिए ये ट्यूबवेल की सेटिंग कर रहे हैं। और आज गंदम चूंकि नहरें बंद पड़ी हैं हमारे पास, तो ट्यूबवेल चलाना पड़ेगा, तो उसी की सेटिंग करते हैं। काफ़ी अरसा से बंद पड़ा है, देखते हैं क्या होता है। गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्यूबवेल जो है वो चला दिया है। पानी जो है वो बहुत ही अच्छा पानी है इस ट्यूबवेल का, काफ़ी पानी निकाल रहा है। तो भाई अभी जो है वही बनना लगा रहे हैं। ये देखिए हमारे ट्यूबवेल का पानी, ये 10 इंच ट्यूबवेल है। अभी इसकी कुछ जेंडोरी का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ना पानी फुल नहीं दे रहा, तो अगर जेंडोरी अच्छी सी लग जाए तो काफ़ी पानी देगा इंशाल्लाह ताला। ये हमारा ट्रैक्टर BH 480, नासिर भाई ऑपरेट कर रहे हैं। बीएड की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। यह कुएं का अंदरूनी बना दे रहे हैं। ये देखिए ये सीढ़ियाँ जाती हैं कुएं की तरफ। अच्छा है और ठीक है, रेस पाँव ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा रेस की है तो अभी पानी में काफ़ी फर्क आ गया है, पानी ज़्यादा निकल रहा है। जी फ्रेंड्स, तो पानी अब जो है वो खेतों में पहुंच चुका है और यहाँ जो है वो फर्टिलाइज़र जो है वो डिप कर रहे हैं इस ड्रम के ज़रिए। तो अभी मुझे तो पता नहीं है कौन सा फर्टिलाइज़र है, तो बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है किसान का ये भी पानी में जो है फर्टिलाइज़र को डिप करने के लिए। तो देखें दोस्तों कैसे खड़े हैं हमारे खेत। ये गंदम जिसे गेहूं भी कहते हैं वो है, और पानी बहुत ही अच्छा आ रहा है, फसलों को जा रहा है। ये गंदम खड़ी है हमारी फखरे बखर, ये बहुत ही अर्ली इसकी जो कल्टीवेशन हुई थी तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। अगेन मैं जो है वो वापस जा रहा हूँ ट्यूबवेल की तरफ। तो ये देखिए खाल हमारे इधर पुख्ता है, पक्के खाल बने हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी होती है इस चीज़ पे। तो ये तो काफ़ी पहले बना हुआ है, तो नए जो खाले ये खाल जितने बन रहे हैं तो वो तकरीबन तो सारे वो दूसरे सीमेंट स्लेब वगैरह लगती है। ये देखिए बाग है साथ में, एकदम दर्द पड़ रही है कुछ। अगेन मैं ट्यूबवेल पे पहुंच चुका हूं, तो काफ़ी बढ़िया बहुत ही अच्छा चल रहा है। BH 480 किसान की पसंद। ये देखें काफ़ी अच्छा ट्यूबवेल है, 10 इंच डिलीवरी दे रहा है। और देखें जी बहुत ही ज़्यादा पानी है, 1 घंटे में तकरीबन 1.5 से 2 एकड़ जो है ये इसकी आउटपुट है। जी फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, अपने कमेंट्स से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा।
शुक्रिया, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में।